पंचम से करेंगे, हम लोग करेंगे चेतन ने हल्के हाथों से ऑन साइड पर क्लिक किया मगर रन के लिए सीधे फील्डर के पास ही गेंद को खेला और कोई रन बना। सलामी बल्लेबाज महान ओपनर हमेशा से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। बढ़िया गेंद सीधी सपाट ऑफर प्लेस पर भी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पंचम से ऑफ साइड पर चार कार्ड इस बार बहुत ही खूबसूरती से मगर शॉट बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले के बीच शानदार यहां पर जारी है पौड़ी लायंस वर्सेस जय मां काली का स्पोर्ट्स क्लब के बीच। यहां पर पहली लाइन पर थी और उसे बहुत खूबसूरती से तो बढ़िया साबित होगा गेंदबाज के लिए एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। ये बढ़िया बेहतर गेंद थी मगर एक रन पूरा और एक रन से ही संतुष्ट हुए दोनों ही खिलाड़ी। ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर से मात्र दो रन आए हैं पहले ओवर पहला ओवर में पहले ओवर में दो रन आए और ये छोटे के जादूगर के नाम से भी नहीं जाना जाता है। यहाँ पर पैड लाइन पर दी गई तो जोरदार अपील की है मगर अंपायर पर कोई असर नहीं उसका। बहुत ही बड़ी शानदार मुकाबला और जानदार मुकाबला होने की संभावना है। एक बार फिर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से गेंद चार रन मिलेंगे। जी हाँ बहुत ही खूबसूरती से कवर के फील्डर को देते ही गेंद सीमा रेखा निकला है रोहित के बल्ले से। तो रोहित तो यही कहना चाहेंगे कि अभी तो चौका मारा है छक्का भी बाकी है जंग तो अब शुरू हुई है जीत अभी बाकी है ये बल्ले से उन्होंने बोल दिया है। इस बार बल्ले का किनारा और फिर से गेंद जाती हुई पॉइंट पॉइंटिंग के बाहर चार रन बहुत ही खूबसूरत इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी सीधी रहती हुई गेंद और जैसी बढ़िया गेंद की है देखिए आप पूरे स्टेडियम में तालियों की आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो अच्छे खिलाड़ी के लिए गेंद और बल्ले के बीच बढ़िया संघर्ष देखने को मिला है ब्लैक मार्क पर। यहां पर ऊंचा जा रहा है उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं और गेंद सीधे अच्छा कवर बाउंड्री के बाहर चल रहा है बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक चेतन के बल्ले से झनाटेदार चौका निकला और जैसे ही उन्होंने देखा कि रोहित ने हाथ खोलने शुरू किया और उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और जैसे मैं कई बार कहता आया हूँ कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है बिल्कुल वैसा ही माहौल था और काफी महंगा ओवर छोर बदला है बॉलर ने इस बार। और यहाँ पर पैड पे टकराई है मगर अंपायर पर कोई असर नहीं बहुत ही करीबी मामला था और ओवर समाप्त हो गया। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 16 रन बगैर किसी नुकसान के चेतन और रोहित यहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। बॉल हाइट दिखना तुम बॉल की अगले गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट मैदान की तरफ ही खेल दिया और रन नहीं मिले इस बार पौड़ी लायंस वर्सेस जय मां काली का स्पोर्ट्स क्लब के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है ब्लैक मार्क पे। यहां पे बहुत ही बढ़िया गेंद थी मगर फिर भी बहुत खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है इसको लेग की तरफ और एक रन। रोहित और चेतन बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल चुनाव बढ़िया कर रहे हैं अपने स्ट्रोक के। यहाँ पर हवा में उछाला था गेंद को दरबैक की तरफ गई गली में वहां पर फील्ड हुई और कोई रन नहीं। पंचम अपना दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर हमसे दूर होते हुए इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट और सर पर भाग लिए फिर वापस किया है जिसके खमियाजा भुगतना होगा और एक रन फिर भी पूरा कर और इस रन के साथ तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 22 रन बगैर किसी नुकसान के पौड़ी लायंस का स्कोर। अभी भी जीत के लिए 101 रन बनाना है और मजबूत शुरुआत देने की कोशिश में जुटे हैं और एक बार फिर अच्छी गेंद थी और इस बार फिर से खेल दिया है मैदान की तरफ और एक रन नहीं मिल पाएगा। बहुत ही फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड किया और एक रन क्लीन शॉट जिस तरह से चेतन सामना करेंगे एक बार फिर यहां पर फिर से पैड लाइन पर थे गेंद और खेल सीमा रेखा के बाहर फाइनल की तरफ कोई बॉल की तरफ से
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उनकी तरफ से, एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया बॉलर ने, फिर से गेंद को हल्के हाथों से निकल ऑफ साइड पर और सर पर भाग। सुरेश सिंह शाह जी और ये मेडल तीसरे राउंड में पहुंचे उनकी टीम। भेदभाव के आपने देखा होगा किसी भी टीम को बैंक से बाईपास है, ठीक है जी। और ये भाई का तो सामान वैसे भी हमारे मुकाबला काफी दिलचस्प और काफी रोमांचक होने की संभावना। यहाँ पर जमीन ने गोल करके अलावा शॉट में क्रिकेट पर फिर से मौजूद है एक रन एक रन का होने के बाद बॉडी लाइन का स्कोर, जबकि उनके सामने मंजिल 123 रन का, 5 ओवर चल रहा है। इस बार बहुत ही और ये शानदार ओवर की समाप्ति हुई। आखिरी गेंद का स्वागत किया चौके से, बाएं हाथ और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, थोड़े से गेंदबाज के लिए मुश्किल है। ओ यहाँ पर पूरी तरह से चप्पा खा रहे हैं, बस बस बल्ले का किनारा नहीं लगा और केशव जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने बड़े अच्छे हाथ दिखाए और क्लीन शॉट उनके बल्ले से लॉन्ग और मिड विकेट के ऊपर से। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से इसका लेग स्पिनर गेंद को खेला, एक ही रन मिलेगा वापस जब तक के मिड ऑफ क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, चलो तो न्यारा दो। यहां पर फिर से जोरदार अपील की है मगर अंपायर पर कोई असर नहीं, सीधी सपा गेंद बैट पे टकराई। चेमा माली का स्पोर्ट्स क्लब क्लब के बहुत ही खतरनाक बोली है उनके पास, इस बार सीधे बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद का खेला है मिड ऑफ और एक रन फिर से भाग लिया, वहां पर वो जिसके वजह से दो रन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार खूबसूरत शैलिया पर इसलिए भी क्योंकि एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और दोनों महाबली टीमों का आमना सामना। एक बार फिर से ट्राई किया स्टेट का, रोक लिया जाएगा लॉन्ग ऑन पर, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग एक ही रन से संतुष्ट हुए दोनों ही खिलाड़ी। बोलना होगा जयमा काली का स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों को लोकेश, एक बार फिर से हमसे भूल जाते हैं लोकेश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और सीधी रहती थी सीधे पर ओवर समाप्त हुआ लोकेश का, बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ और स्कोर 45 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और टीम की नहीं बल्कि पूरे दर्शकों की भी आशाएं उनके ऊपर है कि वो एक बढ़िया बल्लेबाजी करें। इस बार फिर से ऑन ड्राइव किया है, रन लेना चाहते थे फिर मना किया, बहुत ही बढ़िया समझदारी। स्पोर्ट्स क्लब के बीच महा मुकाबला जारी है विनायक मार्ग के खूबसूरत स्टेडियम पर। इस बार बैट लाइन पर थी जोरदार अपील की मगर कोई फायदा नहीं और फिर से बोलर्स का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सीधी गेंद बोलर्स का एक डबल चंद बने हैं, 7 ओवर चलता है और मात्र अभी तक इकलौता विकेट गिरा है। इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी अंदर की तरफ लैटिन सिंगर गेंद थी और सतपाल ने अपने स्टंप सर्वर एक बार फिर से चक्कर की तरह चलाया था मगर नाकाम रहे और गेंद को छकाते ही निकल गई विकेट कीपर के पास। लगातार डॉट गेंदे और जब आप डॉट गेंदे करते हैं तो फिर बल्लेबाज कोई न से बढ़कर एक बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो यहां पर बढ़िया गेंद थी, स्विंगर गेंद थी, पूरी तरह से अपने आप को उनको रोकना पड़ा और उसके साथ ही ओवर गया। एक रन आया था आज के बाद स्कोर हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44।